ये हमारी साइट है, साइट नंबर है 81। हमारे जो कंस्ट्रक्शन की खास बात है, हम सारी के सारे इंजीनियरिंग टेक्निकल जो हमारे टर्म्स रहते हैं उन्हें हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि अगर आप एक इंजीनियर काम करता है उसमें क्या फ़र्क होता है और एक जो ठेकेदार करता है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बीच का एक कॉलम है, बीच का कॉलम दिखा रहा हूँ, मतलब तो सेंटर में जो कॉलम आएंगे लाइन से, इस कॉलम का जो शेप है वो हमने रखा है, टैपर्ड फुटिंग रखी है। टैपर्ड फुटिंग जो होती है वो चारों तरफ से स्लोप ही रहती है, ये बीच वाले कॉलम में चारों तरफ से रहता है। और ये जो किनारे पे जो फुटिंग रहती है टैपर्ड, वो कुछ इस तरीके से रहती है। इस फुटिंग में और रेक्टेंगल या घन वाली फुटिंग में क्या फ़र्क रहता है कि इस वाली फुटिंग में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगर हम बात करें क्यूब या घन तरीके का जो शेप रहता है फुटिंग का, उसके मुकाबले घन के आकार वाली फुटिंग का डिसएडवांटेज यही है कि ऊपर का जो भी हिस्सा होता है घन वाली फुटिंग में, वो कोई भी लोड बियर नहीं करता है। तो उसमें क्या है, माल का भी हमारा, या कह सकते हैं जो हमारा मटेरियल है उसका भी नुकसान होता है और कोई भी उसका यूज़ भी नहीं होता है। उसी चीज़ में बताना चाहूँगा ठेकेदार और इंजीनियर में क्या फ़र्क होता है। एक इंजीनियर काम करता है ऐसे, जैसे आप देख सकते हैं इस कॉलम के जो सरिया हैं वो ऊपर नीचे काटी गई हैं, ये छोटी है और ये बड़ी हैं ये दोनों। तो ये क्यों काटी गई है, इसका भी एक रीज़न है कि ये इसलिए काटी गई है कि कोई भी जो लोड आ रहा है हमारा, जो जब भी जॉइंट होगा इस कॉलम का स्लैब के साथ में, तो वो जॉइंट होंगे वो आगे पीछे हों, वो जॉइंट अगर एक ही तरफ कर देंगे तो जो लोड है वो उस जॉइंट को तोड़ सकता है। तो ये जो है सरिया वो आगे पीछे काटी जाती है और जॉइंट इसका आगे पीछे दिया जाता है। अगर आप एक ठेकेदार को हायर करते या ठेकेदार से ही काम करवाते तो वो ये सारी की सारी सरिया हैं वो एक बराबर कर देते हैं। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप एक इंजीनियर को हायर करते हैं और एक ठेकेदार को हायर करते हैं, तो क्या नुकसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।